बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। पहला एग्जांपल, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इन द स्पीड एस बी 5 किलोमीटर पर आवर मोर इन वुड हैव टेकन 1 आवर लेस then for 1 hour less than the same time. For the same time. Fine. The speed of the train. ट्राई करो इक्वेशन बनाने की। पूछा गया स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या, जो चीज पूछिए वही लेट कर देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ is equal to x kilometers per hour. Distance कितनी given है? Distance given है 360 kilometers. अच्छा formula क्या था? यार relation किसमें दिया है? Time में. तो time is equal to क्या होता है? Distance upon स्पीड अप्लाई कर रहे थे। पहले टाइम कितना लगा होगा उसको? 360 किलोमीटर गई, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो टाइम कितना लगा उसको? 360 डिवाइडेड बाय x। अच्छा ट्रेन की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हुई, कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड हो गई है x प्लस 5। इस कंडीशन में उसको टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर पर। इस टाइम उसको टाइम लगेगा 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। यहां तक किसी को डाउट है? 360 तो लिखा, 365 कहां से आ गया? आकाश शर्मा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हु इज पूजन गुप्ता? आई थिंक इट्स न्यू स्टूडेंट पूजन गुप्ता, आकाश शर्मा। क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है। ट्रेन की कुछ स्पीड है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया तो उसको एक घंटे का टाइम कम लगेगा। अगर उसकी स्पीड सेम यही रही तब उसको टाइम लगा ये, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी तो ये। इस और इस टाइम के बीच कितना डिफरेंस आएगा? क्वेश्चन मिटा दूं, है
क्वेश्चन मिटाऊं या नहीं? दो नहीं होगा। देखो पहले टाइम लगा ये स्पीड इंक्रीज की तो टाइम कम लगेगा, तो ये टाइम का डिफरेंस कितना है? एक घंटे का 360 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो दिया था कि अगर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। और कितना टाइम कम होगा? जैसे मान लो इसमें 10 लगे तो इसमें कितना लगेगा? नहीं, इसमें अगर 15 लगे तो इसमें कितना लगेगा? 14। एक घंटा कम लग रहा है ना, स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम कम लगेगा। और उसने बोला है कि जो सेम जर्नी ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लग रहा था, स्पीड इंक्रीज करने पे एक घंटे का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस कितना है? 1 टाइम, एक घंटे का डिफरेंस है। एक घंटा कम लग रहा होगा, स्पीड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। सॉल्व करते हैं इसको। किसी ने बोला कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले चीज का क्या होगा? हाँ, ये भी कर सकते हैं, इसी टाइम से 1 माइनस करूंगा तो इक्वल हो जाएगा, सेम एक ही बात है, ठीक है। माइनस 1 कैसे आएगा? ये टाइम ज्यादा है ना और ये टाइम कम है, या फिर इस वाले टाइम में 1 ऐड करूंगा तो इस टाइम के बराबर होगा। आप इक्वेशन कैसे भी बना सकते, ठीक है। एलसीएम कितना देगा? x x प्लस 5, ये कितना है? 360 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 माइनस 360 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 360x प्लस, ये कितना आएगा? 1680 माइनस, ये आएगा माइनस 360x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाली सारी टर्म जो चले जाए मल्टीप्लाई होगी 1 से, कितना आएगा? 1680 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। किसी ने कहा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करें, उसी से सॉल्व करें। कैंसिल कैसे हुआ? 360x प्लस का और माइनस का 360x कैंसिल होगा ना, देखो कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर करना तो x का कोफिशिएंट कितना? 5 का हाफ कितना जाएगा? 5/2, तो प्लस का 5/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और प्लस 5/2 का स्क्वायर इस साइड भी। क्या करूं? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, सो सॉरी मैंने गलत कर दिया, आपके 15 और पिछले 15 18 तक होगा माइनस 10। ठीक है, देखो ये एक टाइम, ठीक है, ये एक टाइम। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड इंक्रीज होगी सेम डिस्टेंस जाने के लिए, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, अगर स्पीड इंक्रीज करूं तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा? कम लगेगा। और कितना कम लग रहा है? क्वेश्चन में मेंशन था कि एक घंटा कम लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहां से लेके, मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, कितना टाइम लगा? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, कितना टाइम लगा? 5।
अब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा के 4 किलोमीटर पर आवर कर दी, ठीक है, ये इंक्रीज है, ये पहले टाइम कितना लगेगा 2.5 आवर्स। ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम कम लगा, कैसे चेक करूंगा? ऐसे चेक करूंगा 5 माइनस 2.5 डिफरेंस आ जाएगा जितना टाइम कम लगा। तो मैंने भी तो वही किया, एक्स उसकी स्पीड थी, ये डिस्टेंस थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड टाइम आ गया। स्पीड इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, टाइम कम लगा और उसने बोला कितना टाइम कम लगा, 1 आवर। तो इक्वेशन बन गई ना, या अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है इक्वेशन कैसे बनी? Can't understand 2 1 2 1 क्या? कोई और मेथड कैसे होगा भाई? टाइम ही था, टाइम कैलकुलेट कर लिया बस। दो वेरिएबल में लेके चलोगे तब भी कर सकते हो। Who is पूजन गुप्ता? चलो नेक्स्ट सॉल्व करो। देखो इन दोनों का एलसीएम दिया, ये चीज आई, ठीक है, फिर क्या किया, 360 को x से मल्टीप्लाई किया, 360 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, 1680 लिखा, 1800, फिर माइनस का 360x और प्लस का 360x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड का ऑपरेटर डिवाइड में, तो कितना बचेगा 1800 is equal to x square plus 5x, ठीक है? मैंने पहले भी कहा था कि 9 वाले जो भी हैं वो फिजिक्स की क्लास अटेंड कर लें। 9 का जो भी बच्चा है, बाय मिस्टेक टाइमिंग उसमें 4 PM लग गई थी, मैथ्स की क्लास 6 PM ही है, अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है। नहीं, ये 10th की क्लास है, ठीक है। उसके बाद क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए बोला, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए पहली शर्त तो क्या थी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है, फिर क्या था, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना, तो दूसरी तरफ ये, क्योंकि बाकी टर्म्स इस तरफ है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या थी, x के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा, 5/2, 5/2 का स्क्वायर कितना होगा, दोनों तरफ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 5/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 5/2 का स्क्वायर इससे ऐड किया है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है अभी भी? नहीं है, सॉल्व करते हैं। ये वाला क्या जाएगा, 25 / 4 + 1800 = ये तो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी, क्या x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अच्छा इस वाले को सॉल्व करना, क्या जाएगा, 4 है एलसीएम, 25 प्लस 18 फॉर द 72, तो 7200 = x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये कितना जाएगा, 7225 / 4 = x + 5/2। इसके बाद क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये तो क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, x + 5/2, और दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस 85/2। यहां तक किसी को कोई डाउट? मेरी आवाज नहीं आ रही,
क्या चीज रिपीट करो सरबजीत जी? कहां से रिपीट करना? क्या क्या एक्स प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई टू, यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 85 बाई टू माइनस फाइव बाई टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या जाएगा 85 माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 40। एक दूसरा कहां से आएगा माइनस वाला, तो x प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 85 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 85 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस का 45। ये क्या हो जाएगा रिजल्ट? थर्ड स्टेप में एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन बनी उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहली चीज चेक की कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, कांस्टेंट अब दूसरी तरफ होनी चाहिए, दूसरी तरफ ठीक है, तो मैं क्या करूंगा एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट है 5, 5 का हाफ है 5/2, उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया। जब दोनों तरफ ऐड करूंगा तो क्या है इधर वाला तो आइडेंटिटी बन जाएगा और इधर वाले को सॉल्व किया ये बना 7225 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या किया स्क्वायर रूट किया दोनों तरफ, ये बना दोनों को प्लस माइनस दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, प्लस वाले से आया x इज इक्वल टू 40 और माइनस वाले से आया माइनस का 45। अब अपने आंसर को क्या करेंगे चेक करेंगे, जब स्पीड 40 होगी तो टाइम कितना लगेगा 360 डिवाइडेड बाय कितना रहा 40 कितना रहा 9 ये 360 अगर 5 इंक्रीज कर दे तो कितना हो जाएगा 45, तो 45 को कैंसिल करूंगा कितना जाएगा 8। टाइम डिफरेंस कितना रहा 1 आवर। इसका मतलब जो आंसर कैलकुलेट किया हो गया सही। अभी भी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मिटा दो लास्ट स्टेप कौन सी? अरे लास्ट स्टेप प्लस का 85 किया एक बार और एक बार माइनस का 85 दोनों को सॉल्व किया है। टाइम वाला तो चेक किया ना, स्पीड अगर 40 होगी तब ये टाइम लगा और स्पीड जैसे 5 इंक्रीज की तो ये टाइम लगा, तो एक घंटा कम लग रहा है ना, ये तो वेरीफाई किया है। ऐड कहाँ किया है? माइनस किया है ना, इधर प्लस का था ऐड नहीं किया, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना है ना। आरुषि चारण मिटा दो, आगे हम लोग
नेक्स्ट एग्जांपल, ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर. सो सॉरी दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन वन सिक्स डबल जीरो किलोमीटर. अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज 400 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स useful speed. Find the speed of the plane. बोल के बता रहा हूं. लिखा गया कि ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर्स अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज 400 किलोमीटर्स पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन. यूजुअल स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है. उसको 1600 किलोमीटर जाना था लेकिन बैड वेदर के कारण वो 40 मिनट लेट हो गया. उस 40 मिनट को कवर करने के लिए उसने अपनी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी. उसकी एक्चुअल स्पीड बतानी है कितनी होगी. ट्राई टू सॉल्व. चलो सॉल्व करते हैं. लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर. ठीक है. अच्छा ये तो होगी स्पीड. डिस्टेंस कितनी है. डिस्टेंस की बंद है 1600 किलोमीटर. कितना टाइम लगेगा. टाइम लगेगा 1600 डिवाइडेड बाय n. अरे यूजुअल मतलब जो उसकी नॉर्मली जितनी स्पीड होती है. ठीक है. अच्छा उसके बाद उसने क्या किया. स्पीड इंक्रीज कर दी. तो इंक्रीज दी स्पीड कितनी होगी. इंक्रीज दी स्पीड कितना होगा. एक्स प्लस 400 kmph. ठीक है. अच्छा इस केस में टाइम कितना लगेगा. इस केस में उसको टाइम लगेगा 1600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 400. ये उसको टाइम ये लगा. टाइम लगा कितना. टाइम कवर किया उसने. हाउ मच टाइम. कितना टाइम कवर किया. बताओ कितना टाइम कवर किया. 40 मिनट्स. तो क्या मैं 40 लिखूं मिनट्स लिखूं या आवर्स लिखूं. ये भी आवर्स में. ठीक है. तो क्या करूंगा. यार कितना आएगा. ये टाइम ये तो उसको एक्चुअल में लगता अगर सेम स्पीड से जाता. और ये टाइम क्या है जब उसने स्पीड इंक्रीज कर दी.
और कितना टाइम कवर किया उसने, उसने टाइम कवर किया 40 डिवाइडेड बाय 60। इक्वेशन नंबर 1। और ये किस वजह से, अकॉर्डिंग टू, इसमें किसी को कोई डाउट है? रिपीट करो। देखो स्पीड थी ये बनी और उसमें दी थी ये डिस्टेंस थी, इस स्पीड से अगर वो जाता तो उसको जो भी टाइम लगता, ठीक है, टाइम कितना लगता 1600 डिवाइडेड बाय x, उसके बाद क्या किया उसने, अपनी स्पीड इंक्रीज की तो उसको टाइम लगा, ये स्पीड इंक्रीज करने के बाद उसको टाइम लगेगा कम, और उसने क्या किया कि वो डेस्टिनेशन पे अपने एक्चुअल टाइम पे पहुंच गया, मतलब 40 मिनट लेट चला था फिर भी टाइम पे पहुंच गया, इसका मतलब उसने टाइम कितना कवर किया 40 मिनट, और 40 मिनट को जब आवर्स में चेंज किया तो 40 डिवाइडेड बाय 60, ये ही तो इतना लेट था तो इतना कवर कर लिया, इसका मतलब इस स्पीड से चला तो उसने इतना टाइम कम लिया, दैट्स इट। ये टाइम था, इतने टाइम में चला, उसने टाइम कवर किया, ये इतना टाइम उसको कम लगा, मान लो कि इसको 5 घंटे लगते तो इसको 4 घंटे 20 मिनट लगे, ठीक है, माइनस क्यों आया, तभी तो टाइम का पता चलेगा ना कितना डिफरेंस है, एक को 4 घंटे लगते हैं, एक को 4.5 घंटे लगते हैं, तो 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर कहां से आया, माइनस के तभी तो पता चला ना कि आधे घंटे पहले पहुंचा, ऐड तो नहीं कर सकता ना उनको, इसी इक्वेशन को एक बार ऊपर ही लिख लो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। क्या है 1600 डिवाइडेड बाय x माइनस 1600 डिवाइडेड बाय x प्लस 400 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, क्या जाएगा 3, ये 2, एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आएगा x इनटू x प्लस 400, ये क्या जाएगा 1600 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 400 माइनस 1600 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2/3। क्या करो सॉल्व करें, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस 400x इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 1600x प्लस 6400 माइनस 1600x इज इक्वल टू 2/3। ये वाला इससे कैसे, ठीक है, तो क्या करो ये कंप्लीट इस साइड मल्टीप्लाई करेगा 3 इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, क्या रहा 6 4 4 टाइम्स 0 मल्टीप्लाइड में 3 फिर 2 इस साइड डिवाइड में क्या आता हूं, क्या जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 400x 2 से कैंसिल किया कितना जाएगा 3 2 4 टाइम्स 3 ये कितना जाएगा 9600 is equal to x square plus 400x. ये वाला कंप्लीट इस तरफ आएगा, क्या आएगा माइनस का, तो क्या बनेगा x square plus का 400x minus 964 times 0 is equal to 3। क्या करें मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते, क्या आ जाएगा x square plus 1200x minus 800x minus 96 4 times 0 is equal to 3।
यहाँ से लिया x कॉमन तो क्या देगा, x प्लस 1200 माइनस 800 कॉमन आएगा क्या देगा, x प्लस 1200 इज इक्वल टू 3। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1200 इस साइड आ जाएगा, x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1200 और x इज इक्वल टू 800। ये सॉल्यूशन क्या होगा, रिजेक्ट, आंसर इज 800। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब तो दिख रहा है अखिल शर्मा, फिर से चेक कर ले, अब दिख रहा होगा। किसी को कोई डाउट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? अभी करके बता दो, ये लिख लिया सबने? सरबजीत सिंह दफ्तर से, आपको इतनी जल्दी फैक्टर्स कैसे पता चल जाते हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखो लास्ट में चार जीरो थे, मैंने सिर्फ 96 के फैक्टर किए, 96 के फैक्टर, और वो मैंने 12 और 8, दो जीरो इसके साथ लगा दिए, दो जीरो इसके साथ लगा दिए, डिफरेंस कितना है 4। मिटा दूं? सिक्स बाई फोर कहाँ है, सिक्स बाई फोर, फोर बाई सिक्स था, इसको सिंप्लीफाई किया, टू बाई थ्री, यहाँ टू बाई थ्री था, इधर थ्री बाई टू हो गया, कॉन्स्टेंट हम एक तरफ रखती थी। सिक्स बाई फोर नहीं है, फोर बाई सिक्स है इसमें। हाँ आंसर सेम आएगा, आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। किसी ने मेरे से पूछा कि इसका कंप्यूटिंग द स्क्वायर से, नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, एक बार वो भी बता देता हूँ, सिर्फ इक्वेशन मत करो। वो सही वाला वो आंसर है, दूसरा रिजेक्ट हो गया। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द संडे टेस्ट, जितना पढ़ा दिया टेंथ टॉट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट टिल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आज की क्लास में जितना पढ़ा दिया वहां तक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, b इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू b किसके इक्वल है, 400 का माइनस का 400 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा, 400 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू 9 से 4 टाइम्स 0 x is equal to minus 400 plus minus देखिए साइड में ये आ जाएगा 164 times 0 minus ये आएगा कितना 384 4 times 0 तो ये किस तरह आप प्लस कर रहे हैं, ये जो माइनस कर डिवाइडेड बाय x is equal to minus 400 plus minus under solar
6 डिवाइडेड बाय 2 x is equal to minus 4 plus minus 100 divided by 2. X is equal to minus 4 minus 200 divided by 2 is equal to minus 1200. X is equal to minus 400. So, plus 200. 2 देख क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पूछा था उसे बता दिया सेम आंसर आया कंप्लीट हो गया एक लेक्चर और होगा एंड चैप्टर कंप्लीट किसी को कोई डाउट है इसमें ओके अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना था वही बताया मैंने कंप्लीट इसको ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा हाँ मेथड कोई भी यूज करो आपका आंसर सेम आएगा चैप्टर में अभी एक और बताया था टाइम एंड वर्क उस पे बेस कर लो जब भी क्लास होगी डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर कंप्लीट रियल नंबर पॉलीनोमियल लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द सिलेबस ऑफ योर Thank you.